समान नागरिक कानून पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है। शिवराज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम हाईलाइट कर महंगाई, भ्रष्टाचार, गलत नीतियां से मतदाता का ध्यान हटाना चाहते हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून आवश्यक है। इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था, हम दो हमारे दो। समान नागरिक कानून पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर निशाना साधा है। आरिफ मसूद ने कहा कि ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में अलग कानून है, रिलीजियस के अलग अलग कानून है, उसके चलते शिवराज किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं। मसूद ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम हाईलाइट करके महंगाई, भ्रष्टाचार, गलत नीतियों से मतदाता का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने का स्टैंड है, इसका मैं विरोध करता हूँ। कॉमन सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे, ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून है जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं। ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है, केवल एक भ्रमित करना ताकि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम हाईलाइट करके जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, जो खुद की गलत नीतियां हैं उससे मतदाता का दिमाग हटाकर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का एक स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। वही समान नागरिक संहिता पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि समान नागरिक कानून संहिता की आज जरूरत है, बढ़ती आबादी के नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून आवश्यक है। शर्मा ने कहा 4 बीवी 24 बच्चों वाली प्रथा बंद होनी चाहिए, हर नागरिक को एक शादी का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हो। कांग्रेसियों से हम प्रार्थना करते हैं कि हम दो हमारे दो का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, इस कानून से आबादी पर नियंत्रण होगा, सब नागरिकों में ये भावना पैदा होगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सबका एक कानून है। संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रांत के मुख्यमंत्री अधिकतर इस बात के से सहमति दे रहे हैं कि समान नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून के लिए आवश्यक है और इसलिए अब ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीवी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए, हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो सामान्य नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक कानून है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।